हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है हमारे नए टेक टॉक के एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कुछ अमेजिंग टेक न्यूज़ जो कि आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। और यहाँ पर आपको नए मोबाइल से रिलेटेड और भी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आप आज की ये वीडियो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो मेरा नोटिफिकेशन सीधे आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, जो हमारी सबसे पहली टेक न्यूज़ है वो है मीडियाटेक का हीलियो G35 प्रोसेसर के साथ मोबाइल लॉन्च होने जा रहा है 4 अगस्त 2020 को, जिसका नाम है रियलमी C11। ये मोबाइल बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको एक बेस्ट प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक प्राइस जो उसकी देखने को मिलेगी वो एक्सपेक्ट प्राइस अभी मानी गई है यही करीब 9,999 रुपये करीब, यानी 10,000 के अंडर में भी हो सकता है और 100, 200 या 500 रुपये तक ऊपर भी हो सकता है। तो ये मोबाइल आगे चल के बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है और इसमें जो फीचर क्वालिटी है वो भी आपको बहुत अमेजिंग मिलने वाले हैं। तो ये थी आज की फर्स्ट टेक न्यूज़। कैसे नहीं, मुझे मैंने जरूर बताएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं अपने सेकंड टेक न्यूज़ है, वो है सैमसंग की तरफ से। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मिड रेंज फ़ोन को परचेस करना, मतलब कोई भी ज़्यादा आपको पैसे भी ना पड़े और जो क्वालिटी मिले वो एकदम शानदार और सुपर से जुपर मिले, आपके लिए सैमसंग गलेक्सी M31 एक बेस्ट रिव्यू होने वाला है। क्योंकि ये फ़ोन में आपको सारे फीचर्स और सारे फंक्शंस मिलते हैं। बेस्ट कैमरा आपको देखने मिलता है और यहीं पे आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी, जिसका बैटरा भी कह सकते हैं, देखने को मिलता है इसी M31 में। तो ये एक मिड रेंज फ़ोन आपको ज़रूर परचेज करना चाहिए अगर आप चाहते हैं सैमसंग के किसी भी फ़ोन को परचेज करना। तो ये थी आज की हमारी सेकंड टेक न्यूज़। चलिए बात करते हैं अपने थर्ड टेक न्यूज़ की। दोस्तों, यहाँ पर जो कि अभी चाइनीज़ ऐप को वायकट किया जा रहा है, कोई भी चाइनीज ऐप यूज़ नहीं कर सकता है। तो यहीं पे गूगल का जो डुए ऐप था जिससे आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल करते थे, तो यहाँ पर आप 32 यानी 32 लोगों के साथ एक साथ कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकेंगे यही गूगल डुओ ऐप के साथ। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो लिंक आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आपके लिए एप्लीकेशन है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने अगले फोर्थ टेक न्यूज़ की। तो दोस्तों, हमारी ये टेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग होने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो Redmi Note 9 Pro Max एंड Redmi 8A स्मार्टफोन्स हैं, इन पर बहुत ज़्यादा कीमत की बढ़ोतरी हो गई है। यहाँ पर Redmi Note 9 Pro Max में आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा और बढ़ गए हैं और यहीं पर Redmi 8A में 300 रुपये बढ़ गया है। यानी अगर टोटल इसके बात की जाए लॉन्चिंग रेट के साथ, यानी जो लॉन्च के साथ इसके रेट थे, तो यहाँ से Redmi Note 9 Pro में 2000 रुपये की कीमत बढ़ गई और Redmi 8A में 1000 से 1500 रुपये की कीमत बढ़ गई है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है क्योंकि कुछ लोग हैं जो Redmi Note 9 Pro Max को ख़रीदना चाहते थे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है क्योंकि कुछ यहाँ पर पैसे जो हैं वो बढ़ गए हैं इसी Redmi Note 9 Pro Max में। तो यहीं पे दोस्तों, हमारी अगली अपडेट निकल के आती है माइक्रोमैक्स की तरफ से, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग और एक हाई क्वालिटी की होने वाली है इस वीडियो में। कि माइक्रोमैक्स अपने फीचर फ़ोन दोबारा से लाने जा रहा है, मतलब अपने मार्केट में, और अपना एक दोबारा से मतलब नाम दिखाना चाहता है माइक्रोमैक्स। तो इसके फ़ोन भी आपको जल्द देखने को मिलेंगे मार्केट में। तो अगर आप चाहते हैं माइक्रोमैक्स के फ़ोन परचेस करना, स्लिम सेट, पतला सेट और यूनिक सेट, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं आने पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थी आज की टेक न्यूज़। कैसे लगी नीचे कमेंट में जरूर आएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा। पूरा देखा है तो एक बार नीचे मुझे कमेंट में जरूर आए, हम आपका दिल से शुक्रिया और थैंक यू बोलना चाहेंगे इस वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।